अस्सलाम वालेकुम इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहरा थल में और यहाँ पे जो है वो छठी थल रैली जो है वो हो रही है इस वक्त जंगल में मंगल का समा है लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं आ, मतलब हर तरह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा कोई अमीर है गरीब है यहाँ पे आपको रेत पे बैठे हुए लोग नज़र आएंगे तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे थल रैली के हवाले से और यहाँ पर आए हुए लोगों से बात करेंगे रेसर्स हजरात से बात करेंगे और उसके बाद जो इंतज़ामिया के लोग हैं जिन्होंने इस इवेंट का इंतज़ाम किया उनके, उनसे भी बात करेंगे कि उनको कितना खुशी हो रही है। लोगों को, आ, कर, खुशी कुछ लोग यहाँ पे खाने वाल से आए माशा यहाँ पे आके कैसा लग रहा है बड़ा अच्छा फील हो रहा है माशा बड़ा अच्छा इवेंट हुआ है हमारी दुआ के ऐसी कामयाब रहे और हम ऐसे इसको इंजॉय करें सब कजन वगैरह दोस्त सही है आपको कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और इस तरह क्या कहते हैं रेसिंग हमारे यहाँ बहुत कम होती है और साल में एक साल होती है तो इसकी तरफ फिर लोगों का रुझान ज्यादा होना चाहिए स्पेशली फिरोज खान से मिलने मिलना था अच्छा बट नहीं मिल सके तो लिया है, लेकिन देख मिले तो नहीं है। मिले नहीं है छोटे <laughs> चोड़ छोटे बच्चे भी हैं कैसा लग रहा है जी अच्छा लग रहा है हमें आज तो छुट्टी भी है संडे भी है और बादशो मेला लगा हुआ है खुशी हो रही है जी बहुत खुशी हो रही है हमें खाने वाले हैं नहीं हम मुल्तान से से आए हैं अच्छा मुल्तान से आए ये भी आए हुए छोटे छोटे बच्चे हाँ भाई क्या हाल है ठीक कैसा लग रहा है आपको अच्छा कौन सी गाड़ी बहुत अच्छी लगी आपको जी कौन सी गाड़ी अच्छी लगी है सारी अच्छी लगी है। सारी अच्छी लगी है जिसके चार टायर है वो अच्छी है, जी। है? चले भाई हम मिल एक नारा मारते हैं पाकिस्तान का पाकिस्तान पाकिस्तान फ्याज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फ्याज साहब माशाल्लाह कह सकते हैं कि जीप रैलियों की कह सकते हैं कि रीड की हड्डी है और चोलिस्तान की रैली हो या थल की रैली हो तो इनको हमने फ्रंट पे देखा है और बहुत ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं सर सबसे पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं आप हमारे खत्ते में आते हैं और चार चांद लगा देते हैं और सुनने में आया कि आपकी ये लास्ट रैली है उसके बाद आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको हमेशा मिस करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप आते रहेंगे और इसी तरह हमारी हेल्प करते रहेंगे तो कैसा लग रहा है यहाँ पे इतना बड़ा रिस्पॉन्स जैसे जैसे ये साल आगे होता है तो उसके बाद और रश बढ़ता है और बेहतरी आती है जैसे इस बार एक दिन बढ़ा दिया गया तो क्या कहेंगे इस हवाले से पहली बात तो ये है कि खत्म हमारा है ये मैं इस से हूँ या आप इस से हैं हमारा ताल्लुक इसी पाकिस्तान से है तो पहली बात तो यह कि हमारे लिए हर जगह पाकिस्तान की वो है हमारी मोहब्बत वाली है दूसरी बात ये है कि हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा यकी बात है कि मैं नहीं अगर कर रहा होगा टी डी सी पी से तो कोई और कर रहा होगा तो यकी नहीं बात है और ये चलता तो रहेगा इन शाला आने वाले दिनों में भी असल जो बात इसमें माखज इसका ये है कि जिस इलाके में ये एक्टिविटी हो रही हो वहाँ के लोग उस मोहब्बत से उस प्यार से उस खलूस से और उस इतम इतमान से यहाँ को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करें और उसके बाद उसको सपोर्ट करें ये बेहतरीन चीज़ है तो हम मैं तो सबसे पहले बहुत मशहूर हूँ तमाम मीडिया का भी तमाम लोगों का भी कि उन्होंने बड़ा ही एक कलीदी किरदार अदा किया है इसको प्रमोट करने में और आप मैं आप तमाम लोगों को ख़ास तौर पर तमाम हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने चौलीस साल से बढ़ कर इस थल रैली की कवरेज को बहुत लिया है जो कि इस बात की माजी है कि ये इवेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होने जा रहा है लेकिन थल अपनी जगह पर अहमियत के हामिल है इसी के साथ साथ मैं तमाम उन लोगों का मशहूर हूँ खासतौर पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और दीर इदारों का जिन्होंने इसमें खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुजफ्फरगढ़ है इन्होंने और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन चुबारा और कटरद्दू इनके ए सी साहबान ने और दीगर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है डी सी साहबान ने डी पी ओ साहबान ने जिस तरह मेहनत से और लगन से इसको कामयाब बनाया है ये काबिल सताइश है और बाइक की भी आज रेस है क्योंकि बाइक की जो रेस है वो भी स्पेशली आपने ही इसमें ऐड करवाया और आपकी कोशिश से तो अभी बाइक रेस होने जा रही है ये इन बाइक को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि हम अपने जो हमारी नौजवान नस्ल है इसको चैनलाइज करें उसकी उस एफर्ट को कि वो जो सड़कों में दिखाती है बजाय इसके वो सड़कों पे करे हम इस ये प्लेटफॉर्म दें टी डेवलपमेंट कॉपोशन पंजाब का कि इसके ज़रिए वो अपने चैनल अपनी जो जो भी उनका टैलेंट है वो यहाँ आजमाएँ प्याज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम आपको सल्यूट पेश करते हैं आपने जिस तरह से काम किया और मैं पता नहीं तकरीबन छः से सात साल से तो मैं देख रहा हूँ आप फ्रंट पे होते हैं आप सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं और हर बंदे को अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ आप गाइड कर रहे होते हैं तो आधी टेंशन तो वैसे ही उनकी ख़त्म हो जाती है जब आप मुस्कराह के उनको जवाब देते हैं तो अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और हम उम्मीद करते हैं हमारा ख़त् यहाँ के लोग हमारे इस खत्ते के लोग प्याज साहब को हमेशा याद भी करते रहेंगे और इंतज़ार में रहेंगे कि आपने कोई भी रैली मिस नहीं करनी और ये वादा करें हमारे साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं कि उनका बाबा फरीद का है ना कि सजन नाम अखियां अखियां तो वही है कि मेरा ताल्लुक भी इसी मिट्टी से लगता है तो इस हवाले से मुझे जो महक और जो इस प्यार जो है वो यहाँ से मिला है वो अल्टीमेटली बाकी किसी जगह से नहीं मिला तो रोही हो या थल हो ये दोनों एक मेरे साथ रचे बसे हैं तो इन मेरी कोशिश होगी कि जब तक हूँ इन शह इन, इन जो है किस्म के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें शिरकत करूँ बहुत तो बहुत शुक्रिया एक नारा मारेंगे सर पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान। पिछले तीन चार साल से ज़ाहिर हम साथ हैं और यहाँ पर आ, जो मतलब तीन दिन गुजरे हैं वो इंतहाई जिंदगी के यादगार दिन हैं और मैंने बहुत बहुत ज्यादा यादें यहाँ पे इकट्ठी की हैं यहाँ के क्राउड बहुत अच्छा है लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत मुखलिस और प्यार देने वाले लोग हैं फ़ौर मेरी बात समझ जाते हैं और बाकी ये रक्षा जभी हैं जी आ, बेसिकली बैंक मैनेजर भी हैं और अच्छा आप ये बताएं कि आपने सुना है गाड़ी भी भगाई है आ, इस साल गाड़ी भी भगाई है लेकिन मेरी गाड़ी एक्चुअली ख़राब हो गई थी और जाहिर है वो कुछ ऑफिस से छुट्टियों का मसला होता है तो प्रैक्टिस मेरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन ट्रैक इन, बहुत खूबसूरत है और मैंने बहुत इन्जॉय किया रेकी भी कंप्लीट की और गई भी हूँ मिड पॉइंट तक पहुँची भी हूँ लेकिन आगे गाड़ी ने जवाब दे दिया तो इस वजह से जो है वो रैक कंप्लीट फिनिश नहीं कर पाई हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं दाद देते हैं आपको खातिन तो आमतौर पर चिपकली से भी डर जाती हैं ठीक है ठीके? और काकरोज आ जाए जा 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 तो वो सारा घर सर पर उठा लेती है तो आपने रेस में शिरकत की गाड़ी खराब होगी एक टेक्निकल चीज है लेकिन आपने हिम्मत के साथ रेस में शिरकत की तो ये जो हमारी बहनें देख रही है इस वक्त इनको देख लें इन्होंने गाड़ी भगा दी खतरों की खिलाड़ी बन चुकी है एक रेस ये मुकम्मल कर चुकी है पिछले साल वाली और इस साल

क्लब की है ये ये एशिया टीम की तरफ से है महमूद भाई इसको चला रहे हैं महमूद मजीद साहब मैं को ड्राइवर हूँ उनका और माशाल्लाह इसी पे अभी हमने तीन पोडियम लिए हैं डेरा जाद का और डेरा इसमाइल खान का और चोलिस्तान का और थल का पिछली दफ़ा तो हम थल के पिछले साल के भी विनर हैं तो इन इस साल भी हम विन करेंगे बात है सर ट्रैक कैसा है चौलिस्तान में और यहाँ के ट्रैक में क्या फ़र्क देखते हैं आप यहाँ का जो ट्रैक है उसकी जो सैंड है वो बहुत नरम है और बीच में चने की जो काश्त है वो आ जाती है तो जो भी ड्राइवर ज़रा सा भी बाहर निकलेगा उसका टाइम ज़ाया होगा तो बड़ा स्किल का काम है यहाँ पर तो इन पूरी कोशिश है कि हम इसको अच्छे तरीके से चलाएँ और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और विन करेंगे इनशाला आपके और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप इतना सपोर्ट करते हैं और आपकी बड़ी एफर्ट है आपसे नहीं है दो हज़ार से आप हमारे साथ हैं और मुझे बहुत खुशी होती है आपको देख के कि आप मीडिया वाले हमारा इतना ख्याल रखते हैं कहाँ से आए हैं जनाब मैं मुल्तान से आए हैं जी कैसा लग रहा है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हर साल आते हैं कोशिश करते हैं आने की टाइम निकाल के तो इस साल भी इन सपोर्ट तो हम सुल्तान साहिबजादा साहब को करते हैं और नादिर बड़े बड़े रेसर को सपोर्ट करते हैं इधर भी गाड़ियाँ हैं हाँ ये तो है ये सारे उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं ज़्यादातर लेकिन मेन तो हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत शौक है इस जीप रैली देखने के इस इवेंट का तो हमारे जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा इवेंट है और आज आखिरी रोज़ है तो मैं हकूमत से ही अपील करूंगा कि इस इवेंट को इसी तरह जो है सदा बार जिस सारा साल होता है इस मेले को सजना चाहिए क्योंकि जनूबी पंजाब में और कोई तो तफरी माहौल है नहीं ताकि इस तफरी माहौल से हम जैसे शायकीन जो है वो लुफानंदोज़ हो सकें बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे खुश रखे अल्लाह पाक हमारे हर पाकिस्तानी को ऐसे खुश रखे और वह इसी तरह खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें कितनी बार शिरकत कर चुके हैं थल के अंदर ये जी मेरी तीसरी दफ़ा शिरकत है अच्छा कभी पोजिशन भी आई है Uh, 2019 में जी में सेकंड था बीस स्टॉक कैटेगरी में अच्छा। जी माशाल्लाह तो ट्रैक मुकम्मल कर लेना एक बड़ी आ, यार कामयाबी होती है बिल्कुल के आप खैरियत खेर, से वापस आ जाएं तो इस ट्रैक को और चोलिस्तान में क्या फर्क देखते हैं आप जी चोलिस्तान एक तो सिंस हम प्रिपेड में रेस करते हैं तो चोलिस्तान इज़ अ लॉन्गर रेस चार किलोमीटर दो दिन के ऊपर होती है ज्यादा इंड्योरेंस टेस्ट करती है व्हीकल का भी ड्राइवर का भी वे एक दिन की रेस है दो किलोमीटर है बट ऑब्वियसली ये ज्यादा टेक्निकल ट्रैक है तो ड्राइवर का स्किल बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और इस दफ़ा जो तो ट्रैक है वो उसमें नए पोर्शन्स भी ऐड हुए हैं और कुछ डिफ़िकल्ट पोर्शन्स भी हैं जिसमें ड्राइवर को बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना पड़ेगा गाड़ी को भी बचाना है और कोशिश करना है फिनिश भी कर और कोशिश करे कि पोडियम भी आ जाए आगे भी चलते हैं बहुत सारे लोग इसी तरह आए हुए हैं और ख़ुशी का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे अपने जो भी फेवरेट रेसर्स हैं उनसे जो है अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये मतलब इस वक्त जो फैंस हैं उन्होंने घेरा हुआ है और किस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनसे बात करते हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और रेत पर बैठे हुए हैं अल्लामीक से आए हैं भाई एक सौ अठत्ती चक एक सौ अठत्ती चक उदय नाल कोई इलाका यही इलाका है अच्छा यही इलाका है कौन से जिले से जिला मुजफ्फरगढ़ से अच्छा जिला आपका अपने जिला कैसा लग रहा है सर यहाँ बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा लग रहा है सर बहुत, मजा है। बहुत हर रैली पे आते हैं बहुत हर रैली पे आते हैं अच्छा लास्ट डे को आते हैं या मतलब जी तीन दिन आते हैं अच्छा तीनों दिन आते हैं बड़ा इंजॉय करते हैं तो आप समझते हैं कि इस तरह के जो इवेंट्स है उससे खुशी मिलती है जी खुशी मिलती है बहुत खुश है आप बहुत खुशी है शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया कैसा लग रहा है इस पसमांधा है हमारे इलाके में इस तरह का खूबसूरत इवेंट और आप देखें कोरोना के बाद पहला एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जी मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ ये छठी रैली है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ दोनों अजला जो है लैया और मुजफ्फरगढ़ यहाँ पर स्पोर्ट्स के और इंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम हैं और मेरी गुजारिश है लोकल गवर्नमेंट से कि यहाँ हर साल इसको रेगुलर एव, लोकल एव, लेवल पर भी, भी करवाएँ ताकि मकामी खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा ले सकें ये सारे पाकिस्तान से बड़े बड़े स्टार आए हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है और सारे लोग यहाँ पे उनको देखने के लिए आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे हमेशा और हमारे हर पाकिस्तानी को खुश रखे आगे भी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं एक चने वाला मेरे हाथ चढ़ गया सलामकुम छोले छोले क्या है भाई शुक्र है कितने दिन से लगाई हुई कमा गये गाले कितना कमाए अल्लाह बागारे पंद्रह सोलह सौ रूपए दिहाड़ी चाहिए पंद्रह सोलह सौ रूपए एक दिहाड़ी के कमा लिए मेरे इस भाई ने ये वो बाम्मत भाई है जो के हिम्मत नहीं हार रहा कुछ भी करना पड़ रहा है हलाल रोजगार करने के लिए ये सारा दिन चने बेचते हैं और लोगों को खाने पीने का भी इंतजाम हो जाता है और इस रैली पे लोगों के इस जैसे जो आम लोग हैं मजदूर लोग हैं उनके रोजगार में इजाफा होता है उनको रोजगार का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ना, आप रैली में तशरीफ लाएड से कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है कौन सी गाड़ी अच्छी लगी है ज्यादा पीर की पीर साहब की अच्छा पीसा की गाड़ी अच्छी लगी और क्यों नहीं अच्छी लगती और अच्छा कोई लतीफा आता है नहीं। कोई शेर आता है चले पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद ज़ोर से पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद क्या बात है जी बहुत बहुत शुक्रिया आगे चलते हैं इसी तरह आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मीडिया की पूरी कवरेज है यहाँ पे डी एस एन जी आई हुई है सलामकुम सर क्या हाल है जनाब ठीक है कहाँ से आए हैं रद्दू से कोट रद्दू से कैसा लग रहा है यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह अच्छा लग रहा है माहौल भी अच्छा है इधर का आवाम भी सपोर्ट कर रही है सारा सिस्टम सही है तो लाँगे आगे भी अल्लाह करे कामयाब हो जाए बच्चे भी साथ हैं ये तो मुझे खुद रेसर लग रहा है है भाई कोई इरादा रेस करने का छोटी सी छोटी सी गाड़ी आ जाए तो चलाएंगे नहीं अरे अच्छी बात होती है यार मुझे नहीं चलाने आती मुस्कराड भी बड़ी मुझे प्यारी है दिखाना यार इसको सोलो मुझे करके मुझे नहीं चला लेती ओ यार कोशिश करता है ना बंदा इंसान कोशिश करता है ना हिम्मत करता है अभी छोटा हूं मैं मुझसे नहीं चलती अरे मैं छोटी सी गाड़ी चला लो ना कौन सी कोई छोटी सी इस तरह की जीप करके मुझसे नहीं चलती अरे चला लेना यार मुझे निकलती है चार सी मुस्कुराहट है इस बेबी की बहुत जबरदस्त है और चले रेसर बने ना बने तो मेरी दुआ है कि ये कबड्डी जरूर करेगा रेसलिंग जरूर करेगा है ना <laughs> आप भी साथ हैं जी कैसा लग रहा है बहुत अच्छा कौन सी क्लास में हैं? थ्री थ्री क्लास में और आप टू टू और थ्री और आप थ्री आप भी थ्री में पढ़ते हैं माशाल्लाह दो थ्री थ्री वाले एक टू वाला निकला है चले जी आपके लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे अस्सलाम वालेकुम आप कौन सी क्लास में फाइव फाइव में मुस्कुरा के क्यों बता रहे हैं फाइव थोड़ा और मुस्कुरा के बताओ. फाइव ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से जीपें जाती हैं वहाँ पे लिया में चुबारा में जो है मिड पॉइंट बनाया गया है वहाँ पे कुछ देर है वो वकफा होता है और उसके बाद जो है जीप वापस रीस्टार्ट करके भेजा जाता है और फिर यहाँ पे आगे फिनिश होता है तो ये जो पॉइंट है सामने कैमरा मैन साहबर साहब आपको दिखाएंगे ये बेसिकली जो है फिनिश पॉइंट है सामने वहाँ पे गाड़ी आके फिनिश करती है और ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है यहाँ से गाड़ी होती है स्टार्ट पहले स्टार्ट यहाँ से होती है फिर मिड पॉइंट पे जाती है और देखिए इस वक्त किस तरह लोग खुश हैं हुकूमत पंजाब जो है इस इवेंट को मज़ीद मज़ीद बेहतर बनाए और बड़े खुले दिल के साथ फंड्स दिया करें ऐसे इलाकों के लिए इस पसमानदा इलाके के लिए जब आप फ़ंड देंगे जब आप सहूलियात देंगे तो और बेहतर तरीके से इवेंट जो है वो हो सकता है तो जब बेहतर तरीके से इवेंट होगा तो पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के और जो ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा वहाँ से भी लोग यहाँ पर आएंगे और इन्जॉय करेंगे जिस तरफ हम कैमरा घुमाएंगे तो आपको लोग ही लोग नजर आएंगे आपको मतलब खुश सारी नजर आते हैं, हैं कैसा लग रहा है अभी तो जी बाकी गाड़ियाँ आ जाए पर अच्छा तो लग रहा है जैसे आप आपकी गाड़ी आई है तो हमें तो यही लग रहा है आप पहले नंबर पे आएंगे खबर भी यही है जी चलो बहुत बहुत मुबारक हो खैर मुबारक जी बस आगे अल्लाह खैर करे सारे सेफ्टी से फिनिश करें तो ये इवेंट भी कामयाब होगा जी बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बाइकर भी हैं सोशल वर्कर भी हैं और माशाल्लाह लोगों की खुशी के लिए बहुत सारा काम करते हैं सर बहुत शुक्रिया क्या हाल है आपके ठीक है जी एक्सीलेंट जी वेरी फाइन आज बाइक रेस होने जा रही है जी जी आज बाइक रेस होने जा रही है कुछ ही देर के बाद शुरू होगी और आज पच्चीस किलोमीटर का ट्रैक होगा और सिंगल लैप होगी और अभी तक छः बाइकर रजिस्टर्ड हो चुके हैं जी तो इन बहुत ही थ्रिल होगा आप इन्जॉय करेंगे इन जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब देखते हैं जी अभी बाइक रेस भी होने वाली है इस वक्त बिलाल अवान साहब डायरेक्टर राइटर और माशाल्लाह शायर भी हैं और बड़े ड्रामे लिख चुके हैं क्या हाल है सर आप भी अचानक नज़र आ गए आपके तो इतने फैंस यहाँ पे फिर रहे हैं जी बिल्कुल जी ऐसा ही है क्योंकि हमारे इलाके में ये जीप रैली भी हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर बल्कि पूरी दुनिया में धूमें मची हुई हैं हमारे इलाके की अलहमदिल्ला और बस उसी मंजर को देखने हम लोग आए हैं हमारे दोस्त भी साथ हैं रियाज थम साहब भी हैं शकील आदल साहब शायर हैं ये भी शायर हैं हमारे नवी साहब आ, बड़ा अच्छा लगा आप लोग भी आए हुए हैं सर माशाल्लाह इस ज, ज, रेत में जहाँ पे पूरा साल कुछ नहीं होता और कोविड के बाद जो है ना एक बड़ा मेला लगा है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं तो उसी तरह हमारे जो फनकार हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं तो इलाका को कैसे देख रहे हैं आप तरक्की करता देख रहे हैं आने वाले सालों में जी बिल्कुल ऐसा ही है इनशाला बल्कि अलहमद्ला कोरोना से तो जो अल्लाह ताली जान छुड़वा रहे हैं इन बिल्कुल जान छूट जाएगी हमेशा के लिए इस इस इलाके में ऐसी रौनकें होनी चाहिए ये हमारे ये पहचान है हमारे इलाकों की इस तरह की गेमा गेमी पहले ज़माने में इस तरह के मेले हुआ करते थे अब थोड़ी सी जिद्दत आ गई है अब जीप रैली हो रही है पहले जनाब घोड़े दौड़ा करते थे और जनाब बैलगाड़ियाँ दौड़ा करती थी इस तरह की होती थी लोग भी दौड़ते थे आज चूंकि जिद्दत आ गई है इसलिए जीप रैली हो रही है और बड़े पैमाने की हो रही है खुशी हो रही है इलाके का इवेंट है सुना था कि जी जंगल में मंगल आज हमने यहाँ जंगल में शहर आबाद होते देख रहे हैं और ये जो थल जीप रैली है यकीन जानिए मैं पहली दफा शिरकत कर रहा हूँ अच्छा। पहले मैंने कब कभ... सुनता था टी वी देखता था लेकिन आज हम प्रैक्टिकल देखने आए हैं बहुत खुशी हो रही है और यहाँ जब हमने लोगों को देखा आ, बच्चे आए हुए हैं ख़वातीन हैं और बुजुर्ग हैं और इससे ये लग रहा है कि जिस तरह कोविड के बाद आ, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ मैं देख रहा हूँ यकीन जानिए ये, ये क्रेडिट जाता है हमारे पीएम पंजाब और सीएम को कि उन्होंने ये इतना बड़ा इवेंट सजा के हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोविड के बाद जो है ना ये एक पॉजिटिव इवेंट है और ऐसे इवेंट इंशाल्लाह होते रहेंगे आपका जी मेरा नाम नवीस सत्तारी है शायर हूँ मैं और ये माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का मुनद होना एक बहुत बड़ा इवेंट है और ये हमारे लिए एजाज की बात है जी नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल मैनेजर टी मुल्तान और अशर इकबाल साहब जो कि यहाँ पे सारे इंतज़ाम कराते हैं और माशाला तीन दो दिन से जो है ना बड़े अच्छे इंतजाम करा रहे हैं और कोशिश यही होती है कि जो भी मेहमान आते हैं यहाँ पर तो उनको बड़े अच्छे तरीके के साथ किया जाए तो सर आपको मुबारक देते हैं आज लास्ट डे है तकरीबन आखिरी लमहत चल रहे हैं जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करें जो 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 लोग मिस करेंगे यकीनी बात है भाई वो तो कहेंगे हमने जाना था जब हम आपको रोज़ न्यूज़ पर दिखाएंगे कि किस कदर ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है और कैसा इन्जॉयमेंट मिलती है और बिल्कुल फ्री में यार थोड़ा सा पेट्रोल लगता है आप आ जाया करें यहाँ पर तो सर बहुत बहुत आपको मुबारक हो आपने बड़ा ही खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और आपकी सारी टीम ने बहुत मेहनत की क्योंकि आप मुल्तान से हैं मुल्तान रीजन को देखते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका मेन जो है वो किरदार होता है तो कैसा लगा इस बार क्या कहेंगे जी पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया बात करने का ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ होता है ये हमारा टीम वर्क है इसमें लाहौर से पूरी टीम है मुल्तान की टीम है अब जितने भी लोग आते हैं वो असाइंड वर्क के साथ होते हैं कि स्पेसिफिक काम उनके ज़िम्मे होता है हर कोई अपना काम सर अंजाम देता है जिससे ये इवेंट मुकम्मल होता है तो ये थल रैली ये आप देख लेंगे जिस जगह हम खड़े हैं छांगा मांगा टीला तो थल ये थल रैली ऑर्गेनाइज करने से पहले तो मैं ख़ुद भी उसका नाम नहीं जानता था लेकिन अब ये है कि इसके गिरद नवा के जितने इलाके हैं जितनी चेक पोस्टें हैं ट्रैक का जितना हिस्सा है वो सब बिल्कुल रिकगनाइज है पब्लिक का रश आप देख लेंगे कितना है इस इवेंट का वो इंतज़ार करते हैं पार्टिसिपेंट्स का अब ये हाल है कि हमारा चूँकि फायरिंग ऑर्डर में हर तीन मिनट के बाद गाड़ी जाती है तो हम अनलिमिटेड गाड़ियों को रजिस्टर नहीं कर सकते लेकिन हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी इस वक्त 90 व्हीकल्स की है लेकिन इस वक्त तक आठ सौ गाड़ियों ने हिस्सा लिया है जिसमें हम कुछ लेट भी होंगे और 20-25 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग पड़ी हुई है सर एक दिन भी आपने बढ़ा दिया जारी बात है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे तीन दिन की जगह चार दिन का होना चाहिए जैसे चौलीस साल में था मेरे में दो दिन से स्टार्ट हुआ था या तीन दिन से बढ़ते बढ़ते वो पाँच पे चला गया तो आप और भी इसको बढ़ाएंगे कुछ कोशिश ऐसी रहेगी जी मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँगी जिस जगह वेन्यू पे हम खड़े हैं ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा है और सेकेंडली ट्रैक का मिड ब्रेक जो है वो लिया के एक तहसील चौबारा में बनता है तो इसमें दो डिस्ट्रिक्ट मुजफ़्फ़रगढ़ और लिया इन्वॉल्व हैं जो अंडर डीजी खान डिवीज़न में हैं तो इसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम कराने हैं हेंडी क्राफ्ट शो करने हैं फोक म्यूज़िक का उन्होंने प्रोग्राम करना है उसमें उनकी डिमांड थी कि तीन दिन में तो हम फुलफ़िल कर ही नहीं सकते तो लोगों को भी डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड करें तो एक दिन इस साल हमने एक्सटेंड कर दिए तीन के बजाय चार दिन हो गया सर बहुत बहुत शुक्रिया हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह इस खत्े के लिए यहाँ के वासीियों के लिए जो है आप उनकी खुशी के लिए काम करते रहेंगे और इसी तरह तफरी के मौाक़े जो है टी डी सी पी ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब के लोगों को देती रहेगी बहुत बहुत आपका शुक्रिया पहले तो मैं रोज़ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो इस सहरा में भी एक वाकई रोज़ है एक फूल की तरह इनका बड़ी अच्छी कवरेज है बहुत ये माशाल्लाह सबको कोई इनमें तासब नहीं है कोई इनमें इस तरह का नहीं नज़र आता है। इनकी जो व्यूअरशिप है बढ़ रही है मैं तो इन, इनको और इनकी टीम को पहले मुबारक दूंगा हमारे भी ये साथ हैं को पार्टनर हैं मीडिया का एक इनका बाकायदा रोल है आई एम रियली थैंकफुल टू दैट थैंक यू सर दूसरा ये जो इस किस्म की हम रैलीज इनका इनका हो रहा है 2005 से हो रहा है चोलिस्तान में अब ये माशाल्लाह छठी रैली है हमारी तो इसका मकसद ये था कि इसको पहले इलाके पे जो है हम उसकी सब पूरी नज़र पड़े इलाके से निकल के ये जिले ही हुई फिर बैन जलाई हुई और अब ये सूबे की ओर से निकल के कौमी हो गई कौमी से होके अब बैन अववामी हो गई है इन ये जो जीप रैली है साउथ पंजाब का ये एक सिग्नेचर टोन बन गई है और इसमें सोशो इकनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं और इसमें इतनी सबको खुशी भी मिलती है और एंटरटेन भी मिलती है और रोज़गार के भी मे हैं जो कि बढ़ रहे हैं हम पहले भी यहाँ आते हैं रैलीस पर अब हम देख रहे हैं कि जी इवन यहाँ की जो जरी ज़मीन है आ, सहरा से उन्होंने उसको भी जरखेज़ बना लिया लोगों ने ज़मीनों के रेट सर बढ़ते जा रहे हैं दिन ब मतलब। दिन लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है जी, जी बिल्कुल लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है फिर दूसरा उनमें जो है हमने यहाँ देखा है मेहमान नवाजी बहुत है टॉलरेंस बहुत है लोगों में और उनकी स्वीटनेस जो है स्पेशली वो फैमिलीज़ को इनक्रेज कर रही है अब आप देखें इसमें भी लेडीज़ पार्टिसिपेंट आई हैं और जो ऑडियंस है उनमें भी मैंने देखा है बहुत फैमिलीज आई हैं बच्चे बच्चियाँ सब लड़के लड़कियाँ स्टूडेंट्स आए हैं इस सारा जो है मॉडर्नाइज जो एस्पेक्ट है साउथ का ये इसमें रैली अपना क्लीदी किरदार अदा कर रही है ए, सर आप माशा पता चला था शायर भी हैं मुझे किसी ने आवाज़ दी पीछे से तो कोई शेर ऐसा कोई जो आपने लास्ट में लिखा हो हमारे प्रोग्राम में और ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी क्योंकि ये तफरी पर हम दिखा रहे हैं तो उसमें तफरी में और इजाफा हो जाएगा जी पता नहीं किसने आपको ब्रेक कर दी न्यूज़ तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने हाथों को जोड़ा बार बार मैंने हाथों को जोड़ा बार बार तुम लकीरों से निकल गए कैसे वाह वाह जी नाजरीन मैं आपको दिखा रहा हूँ छठी थल रैली जो है बड़ी कामयाबी के साथ अख्तित पजीर हुई और लोगों ने इंजॉय किया लाखों लोगों ने शिरकत की और एक जंगल में मंगल का समा था सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया असफर जया साहब हमारे साथ मौजूद हैं डी सी लिया आपने बहुत अच्छी काविश की और दिन रात एक करके यकीन अभी भी आपको थकावट होगी जिस तरह आप हमें वहाँ पर नज़र आए और आपने चौबारा के अंदर एक जंगल में मंगल लगा दिया और लाखों लोगों ने वहाँ पे शिरकत की और तीन दिन हम कवरेज करते रहे वहाँ पे काफ़ी सारे हमने सेगमेंट्स देखे आपने कोशिश की तो सबसे पहले तो हम आपको मुबारक देते हैं इसकी कामयाबी पर और आपसे बात करना चाहेंगे सर आप इतना आवाम से मोहब्बत करते हैं इतना प्यार करते हैं ये प्यार जो है ये कहाँ से आता है सर जी बहुत शुक्रिया जी अफसरान भी आवाम में से ही होते हैं आ, इसी वसेब के इसी माशरे का हम हिस्सा हैं और आ, मसनू जो इंसान अपने इर्द गिर्द एक हाल कायम कर लेता है वो मेरा ख़्याल को इतना उससे फ़ायदा नहीं होता आ, हमारी जड़ें इसी माशरे के अंदर हैं और इसी सोसाइटी का हम हिस्सा हैं और हमें ये लोग ही हमारा असास्ह हैं और मैं तो कहता होता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास् यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है यहाँ के अमाम है यहाँ के लोग हैं बड़े बड़े टेलेंटेड लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है जिसके अंदर आप अमाम के साथ जितना ज़्यादा इंट्रैक्ट करते हैं ओपन डोर पॉलिसी रखते हैं लोगों में घुलते मिलते हैं उनके मसाइल को समझने की भी उतनी ही आपको आसानी होती है फिर उसको हल करने में भी बड़ी आसानी होती है तो ये मैं ये तो मेरी शुरू से आदत है और आप मुझे इस हवाले से पहचानते भी हैं कि पब्लिक के साथ मैं हमेशा इंट्रेक्टिव रहता हूँ उनसे घुलना मिलना उनकी बात सुनना ताकि बेहतरी की तरफ कदम उठाया जा सके बाकी जहाँ तक तो रैली की बात है जी इसमें दो चैलेंजेस थे एक तो ये चैलेंज था कि पिछले साल कोरोना की सिचुएशन की वजह से कोविड की सिचुएशन की वजह से बड़े महदूद पैमाने पर हमने पाँचवीं थल जीप रैली करवाई थी और बड़े नामसाद हालात थे लेकिन फिर भी हमने उसको अरेंज करवाया था तो उसको भी हमने एक अपना बेंच मार्क रखा था कि उस बेंच मार्क को हमने क्रॉस करना है और एक ऐसी यादगार रैली करवानी है कि जो इस इलाके की तारीख़ में इससे पहले ना हुई हो उस चैलेंज को हम लेकर चले और दूसरा चैलेंज ये था जो अभी आपने बात की जंगल में मंगल करना ज़ाहरी बात है सहरा है डेज़र्ट है ना वहाँ पानी है ना वहाँ सहूलियात है ना वहाँ बिजली है ना सड़क है सबसे पहले तो हमने सड़क बनाई वहाँ दो किलोमीटर की आपको पता है कच्ची सड़क हमने बनाई मेन रोड से वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसको हमने इतनी चौड़ी सड़क बनाई कि तीन से चार गाड़ियाँ भी चल सकती थी उसको लेवल किया टिब्बों को बराबर किया पानी छिड़का वो एक अच्छी खासी मेहनत हुई है उसके बाद तकरीबन आपने देखा होगा कि ढाई से तीन मुरबे का वो ग्राउंड था जो एक्टिविटी का एरिना था और जहाँ पे सारी एक्टिविटी होनी थी वहाँ पे भी टिब्बे थे झाड़ियाँ थीं उनको लेवल किया वहाँ पे तकरीबन दस दिन तक लगातार शब रोज़ हमारे टीम की मेहनत हुई जिसमें मेरे ए सी साहबान भी हैं म्यूनसपल कमेटी के और ज़िला कौंसिल के अहलकार भी हैं और तमाम महकमा जाते हैं सबका नाम इस वक्त लेना पॉसिबल नहीं है फिर तीसरा चैलेंज हमारे लिए था सिक्योरिटी का कि जंगल के अंदर सहराब के अंदर इतने बड़े आ, एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहाँ कोई नाखुशगवार हादसा ना पेश आ जाए तो डी पी ओ लिया सईद अली रजा ने बड़ा ज़बरदस्त कॉपरेट किया पुलिस ने बड़ी ज़बरस्त ड्यूटियाँ सर अंजाम दी इसी तरह रेस्क्यू वन वन टू टू ने एमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से बड़ी अच्छी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी तो ओवरऑल ये टीम वर्क ही होता है जी और उसमें सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी हमारा साथ दिया तो अलहमद ये एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ जितने भी लोग इस रैली पे नहीं आए चाहे वो इस्लामाबाद में बैठे हैं कराची में लाहौर में तो उनको लगेगा कि यार हमने बहुत बड़ा इवेंट मिस कर दिया चले कोई बात नहीं साल गुजरते पता नहीं चलता तो अगले साल का इंतज़ार करें और इन शाला जी कोशिश होगी कि इसी तरह से जो आ, लोगों की खुशी है वो जारी और सारी रहे और कोरोना की जो मुसीबत है वो फिर से ना टपके और इसी तरह दूर ही हो जाए जैसे अभी दूर हुई है तो इस तरह के मेले लगते रहें इस तरह हमारी आवाम खुश रहे और ये जिस तरह हमारे ऑफिसरान है माशा इसी तरह लोगों में खुशियाँ बाँटते रहें तो मुझे इजाज़त दीजिएगा इन शाला अगले किसी प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाफ़